बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं साइमा अनवर आपसे मुखातिब हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर 20 स्टार्ट किया हुआ है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, एंड वी आर एट पेज नंबर 136। एंड द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे वॉज द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड टूडे वी आर रिज्यूमिंग अवर लेक्चर फ्रॉम द प्लेस, उसी जगह से जहां से हमने छोड़ा था स्टार्ट करेंगे। 136 पेज पे हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे और किस तरह से डीएनए का प्राइमेज एंजाइम, हमने कहा था कि डीएनए के बनने की शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद जब एक दफा शुरुआत प्राइमेज आके कर देता है, फिर आगे से जो इसका चार्ज है, ये जो प्रोसेस है, इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने हाथ में ले लेता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 विच इज अ डाइमर एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन, वो यहां पे इट टेक्स कंट्रोल और उसके बाद आगे से जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक और फीचर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का है वो ये है कि इट कैन एड न्यूक्लियोटाइड्स ओनली टू द 3' एंड ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड। अब ये 3' और 5', अगर आप लेक्चर सारे ले रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि 3' एंड के ऊपर एक OH होता है जो कि काफी रिएक्टिव होता है, जो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह से जो 5' एंड होता है उसके ऊपर भी जो कार्बन होता है वो भी, ये दोनों काफी रिएक्टिव सिरे हैं। डीएनए के जो धागे हैं, जो चेन्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रन कर रही होती हैं। एक का 5' सिरा है तो उसके सामने वाला जो सिरा है वो 3' से शुरू होता है एंड दे आर एंटी पैरेलल। ये सारी बातें वो हैं जो पिछले लेक्चर्स में है, मैं उनको दोबारा दोहरा रही हूं ताकि आप जरा जो हम बात करने लगे हैं वो आपको समझ आए। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 की खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3' सिरे से एंड से शुरुआत कर सकता है। इट मीन्स दैट रेप्लिकेशन इट ऑलवेज प्रोसीड 5' to 3' डायरेक्शन ऑन अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बिकॉज द 2 पेरेंट स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एंटी पैरेलल। वही बात जो अभी आपको मैंने कहा कि ये दोनों डीएनए के धागे एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में रन कर रहे होते हैं। द न्यू स्ट्रैंड आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर बेटा दो धागे बनेंगे डीएनए के, लेकिन ये धागे एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में बनेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि एक का 5 से शुरू करेंगे तो वो 3 पे खत्म होगा। अगर आप दूसरी सिमत से देखेंगे तो 3 के सामने 5 है, जो 5 से शुरू हो रहा है वो 3 पे एंड हो रहा है। तो यहां पर जो फिगर आपके पास है इस वक्त 20.19, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल फिगर आपके सामने, और आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें, आर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क। अब यहां पे फोर्क क्या होता है? फोर्क खाने में भी इस्तेमाल होता है, जिसको कांटा कहते हैं, और आपने फिजिक्स में ट्यूनिंग फोर्क शायद देखा हो, दो शाखा उर्दू में कहेंगे, उर्दू भी अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की वीक होती है, तो दो शाखा का मतलब ये होता है कि जो एक चीज हो नीचे से एक और ऊपर से जाके दो हिस्से हो जाए, जैसे घरों में रोटी पकाने वाला चिमटा होता है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्क। तो यहां पर भी डीएनए फोर्क है, आप देखें डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क, ये पीछे से डीएनए जुड़ा हुआ है और आगे जाके ये दो शाखा या 2 branches इसकी हो जाती हैं, जिससे ये वाई की तरह का स्ट्रक्चर एक बनता है। तो ये 20.19 फिगर को आपने देखना है, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है एंड डीएनए रेप्लिकेशन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। द न्यू स्ट्रैंड मस्ट बी इलोंगेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहां पर दो धागे क्योंकि एक दूसरे के उलट रन कर रहे हैं, तो यहां पर डीएनए बनने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होगा। दो मैकेनिज्म हैं, दो तरीकाकार हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट दो लफ्ज आ रहे हैं, आपने इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। लीडिंग स्ट्रैंड, हां जी, पहला लफ्ज है जी लीडिंग स्ट्रैंड विच इलोंगेट टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ, अब ये जो यहां पे आपको नजर आ रहा है फिगर 20.19 में, आप ये देखें कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो ऊपर वाला जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है। अगर आप इसमें, ये दो धागे हैं, एक ब्लू और एक रेड, तो अगर आप रेड वाले को देखें तो ये अंदर की तरफ, इसका जो रुख है, जो एरो है एंड पे, ये इसकी रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ है। तो दिस वन इज कॉल्ड अ लीडिंग स्ट्रैंड। हाउ वी डिफाइन लीडिंग स्ट्रैंड पेपर में, क्योंकि डेफिनेशन आती है, तो हम कहेंगे द स्ट्रैंड विच इलोंगेट
टूवर्ड्स द रेप्लीकेशन फोर्क, ये वो धागा है डीएनए का जो हमेशा रेप्लीकेशन फोर्क की तरफ जो है वो इलोंगेट होता है, एंड इट इज बिल्ट अप सिंपली बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यूअसली। अब ये मुसलसल इस पर नए न्यूक्लियोटाइड एड होते जाएंगे और ये बनता जाएगा, और इसके बनने की जो सिमत होगी इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स 3' एंड। तो ये डायग्राम में 20.19 में ऊपर वाला धागा, लाल वाले धागे को देखिए जहां पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3' सिरे की तरफ जो है वो हमेशा जाता है। इसके बरक्स जो नीचे वाला धागा है, अब आप नीचे वाले धागे की तरफ आएंगे, इसको देखिए लेबल किया हुआ है लैगिंग स्ट्रैंड। एक और लफ्ज आपके पास आया, इस लफ्ज को भी अंडरलाइन कर लीजिए, और एग्जाम में अक्सर आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ लीडिंग लिखें और एक तरफ लैगिंग लिखें। लैगिंग स्ट्रैंड इसके कंट्रास्ट यानी बरक्स होता है, और आप इसको डिफाइन करेंगे द स्ट्रैंड विच इलोंगेट्स अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फोर्क। ये वो धागा है जो रेप्लीकेशन फोर्क से उलट सिमत में हमेशा बनता है। अब जरा डायग्राम पे गौर कीजिए, देखिए जहां पे ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो रेड वाला स्ट्रैंड है उसकी डायमेंशन देखिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ऊपर वाला इस फोर्क की तरफ बन रहा है और ये फोर्क से दूर की तरफ दूसरी तरफ बन रहा है। और आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड था वो मुसलसल बन रहा है, उसके अंदर कोई गैप नहीं है, देयर इज नो डिस्ट्रप्शन, जबकि ये आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये बन रहा है छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में। तो देखिए एक टुकड़ा पहले है, फिर दरमियान में गैप नजर आ रहा है, फिर अगेन अनदर फ्रेगमेंट एंड अगेन अनदर फ्रेगमेंट। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये इट इलोंगेट्स अवे फ्रॉम द रेप्लीकेशन फोर्क एंड इट इज सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली यानी मुसलसल लगातार, उसका उलट लफ्ज होता है डिसकंटिन्यूअसली यानी टुकड़ों टुकड़ों में, एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बाद में ये टेंशन की बात नहीं है, ये टुकड़े बाद में हम इनको जोड़ देंगे। अब ये जो टुकड़े हैं इनका बड़ा ही जबरदस्त नाम है, और इनका नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये भी इसको अंडरलाइन करेंगे जी, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक जैपनीज साइंटिस्ट था जिसका नाम है ओकाजाकी, उसने सबसे पहले इस चीज को का मुशाहिदा किया था, ही ऑब्जर्व इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर फॉर वी नेम्ड दिस फ्रेगमेंट, उसके नाम की निस्बत से हमने इसके नाम रख दिए। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं, ये छोटे छोटे 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स के टुकड़े होते हैं, या फिर यूकैरियोट्स में, जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया में 100 से 200 और हमारे अंदर यूकैरियोट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे, इन प्रोकैरियोट्स जो है 1000 से 2000, थोड़ा मैं उलट बता गई थी, पीसेज होते हैं। अच्छा, अब ये पीस जब बन जाएंगे तो उसके बाद जो है कोई टेंशन की बात नहीं है, हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, और ये 5' से 3' डायमेंशन में बनता है। इसकी शुरुआत रेप्लीकेशन फोर्क से होती है और इट मूविंग अवे फ्रॉम इट, और ये रेप्लीकेशन फोर्क से अवे उससे दूर जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड के बरक्स ही उससे उलट सिमत में जाता है। उसके बाद जब ये टुकड़े बनेंगे तो इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास एक और एंजाइम आएगा, और इस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज डीएनए लाइगेज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो डीएनए लाइगेज, लाइगेशन लफ्ज का मतलब होता है जोड़ना, तो डीएनए लाइगेज इज द एंजाइम जिसका ये फंक्शन है कि इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ लगा देता है, क्योंकि हमें डीएनए टुकड़ों में नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस चाहिए। तो ये जो बीच में गैप्स हैं बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, डायग्राम में आप देख सकते हैं डीएनए लाइगेज बैठा हुआ है दो टुकड़ों के दरमियान में और उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये आके इन टुकड़ों को, इन गैप्स को फिल कर देगा और इनको जोड़ देगा, तो आपके पास फ्लॉलेस बगैर किसी जोड़ के जबरदस्त किस्म का डीएनए रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता रहता है, और जब व्हेन इट रीचेस द 5' एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड, अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज अटैच द फ्रेगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए इज फर्दर अनवाउंड। अब बेटा जितना डीएनए बनना था बन चुका, अब ये जो पीछे से पेरेंटल डीएनए हेलिक्स जो डायग्राम 20.19 में आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा और खुल जाएगा, ये वाले टुकड़े तो बन चुके हैं लिहाजा ये थोड़ा और अनवाइंड हो जाएगा, खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो यही रेप्लीकेशन आगे की तरफ डीएनए पॉलीमरेज जंप करेगा और आगे जो जगह नहीं खुली है ये वहां चला जाएगा। इट जंप्स अहेड तकरीबन 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का एक छलांग मारता है आगे की तरफ टुवर्ड्स द रेप्लीकेशन फोर्क। उम्मीद है आपको अभी तक ये बात तो समझ आ गई होगी कि टुवर्ड्स ये जो वी बन रही है, दरमियान में वाई शेप स्ट्रक्चर इधर है और अवे जो इसके सिरे हैं दूर वाले, तो इस तरफ को ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का एक जंप मारता है और जाके दोबारा से यही प्रोसेस इट विल रिपीट एंड ऑन एंड ऑन, और आपके पास नए डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं, पुराने वाला दोबारा से
जो है वो पुराने वाला अनजिप होता जाएगा और जो नए वाले हैं वो बन के तो इससे अलहदा होते जाएंगे। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन हर वक्त आपके सेल्स में हर वक्त होती रहती है। पुराने सेल्स हैं जो वो टूटते रहते हैं, जो नए सेल्स हैं वो बनते रहते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए क्रोमोसोम्स की डीएनए की कॉपी जो है वो बनती रहती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का। इसको अच्छे से आपने काम दे रही हूं आपको और आपने करना है इस काम को। रेप्लिकेशन 4 को आपने ड्रा करना है, बहुत अच्छे से बनाएं, रंग बिरंगी पेंसिलों से बनाएं, खूबसूरत करके और इसको समझें। ड्राइंग करेंगे तो समझ आएगी और एग्जाम में भी जब डीएनए रेप्लिकेशन पे नोट आता है तो उसमें आपको ये डायग्राम जरूर बनानी है। 20.19 पीछे वाली इतनी वो नहीं है लेकिन ये आप जरूर बनाएंगे 20.19। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करती हूं। घरों में रहें, महफूज रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अल्लाह हाफिज़।